अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट एडवोकेट सेठी। और आज का हमारा टॉपिक है PMS 2020। PMS 2020 के लिए आज आप अप्लाई कर सकते हैं 13 अप्रैल 2020 तक। बहुत से स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं कि मैम PMS के लिए हमें कौन से सब्जेक्ट्स रखने चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसका क्या सिस्टम है। बहुत से स्टूडेंट इसको CSS के साथ जोड़ते हैं जिसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता। PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज होता है जो सूबाई सतह पर होता है। पंजाब का अलग होता है, सिंध का अलग होता है और KPK का अलग से होता है। और इसके लिए मुख्तलिफ कमीशन्स बनाए गए हैं सूबाई सतह पर। पंजाब के लिए है PPSC, सिंध के लिए है SPSC और KPK के लिए है KPPC। ये वो अदारे हैं जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CCE कंडक्ट करते हैं। आजकल आप PMS के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी आखिरी तारीख है 13/4/2020। अब बात करते हैं कि PMS क्या है। रीजनल गवर्नमेंट, आपके इलाके की गवर्नमेंट या ज़िलाई गवर्नमेंट या तहसील की गवर्नमेंट में जब ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है तो PMS के एग्ज़ाम्स के लिए एक अखबार इश्तहार दिया जाता है। अखबार इश्तहार देने के एक दिन के बाद आप PPSC पर या आपकी सूबाई सतह पर जाकर अपने कमीशन पे चेक कर सकते हैं। और वहाँ पे उन्होंने आपको एक ऑप्शन दिया होता है जिस पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के ज़रिए 17 ग्रेड के अफसर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लिए मुंतखब किए जाते हैं। अभी PMS 2020 के हवाले से बात करें तो बेसिक स्केल इसका 17 होता है। एडवर्टाइजमेंट में 71 पोस्टें उन्होंने बताई हैं जो उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड की हैं। पहली कैटेगरी है ओपन मेरिट, 59 सीट्स। दूसरी कैटेगरी है स्पेशल पर्संस, 1 सीट। और तीसरी कैटेगरी में आपके पास आता है माइनॉरिटी कोटा जो 11 सीट्स पर मुश्तमिल है। मेन पार्ट इज सेंटर, एग्ज़ाम्स कहाँ होते हैं, सेंटर कहाँ बनता है। सेंटर बनता है आपके सूबे के बड़े शहरों में, जैसे पंजाब है। पंजाब के बड़े शहर लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद और सरगोधा। चूंकि ये पंजाब की इलाकाई गवर्नमेंट में अफसर भर्ती करने के लिए एग्ज़ाम्स है, इसलिए इनके सेंटर्स भी पंजाब के बड़े शहरों को बनाया जाता है। आजकल एक बहुत ही मूजी मर्ज़ पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है, जिसकी वजह से हर तरफ लॉकडाउन और कर्फ्यू का सा समा है। लोग घरों से बाहर नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, इदारे बंद कर दिए गए हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं ताकि लोग महफूज रह सकें। इसी वजह से PMS या जितने भी बाकी दूसरे एग्ज़ाम्स थे उनकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। PPSC में अप्लाई करने के लिए आपको पहले फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। उसके लिए PPSC ने PMS 2020 की फ़ीस में रिलैक्सेशन दी है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जब आपके इलाके के हालात नॉर्मल हों और जब तक हुकूमत की तरफ से कोई ऐलान ना हो तब तक घरों में रहिए और ख़ुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। हालात बेहतर होने के बाद आप फ़ीस जमा करवा सकते हैं जो कि 1000 रुपये है। PMS के लिए आपको किसी भी लंबी चौड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके ग्रेजुएशन पर बेस करती है। अब बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि मैं ICOM कर रहा हूँ क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैं FA कर रहा हूँ क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैंने BCOM किया क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर बात हुई है ग्रेजुएशन की, बैचलर्स की, 14 ईयर्स डिग्री की। अगर आपने अपने 14 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो 4 साल का था चाहे वो 2 साल का था, अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 साल से 30 साल तक है, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं। वो लोग जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, जो पहले से किसी गवर्नमेंट अदारे में काम कर रहे हैं, इन्हें 4 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर इनकी उम्र मुलाजमत की वजह से 3 साल से ऊपर है
और वो PMS में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने डिपार्टमेंट से NOC लेकर 35 साल तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। ये थी आपकी एलिजिबिलिटी कि आप कितनी एज तक अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं या किसकी कितनी तालीम होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। बहुत से लोग पूछते हैं सिलेबस क्या है, हमें कौन से मज़मून का इंतखाब करना चाहिए। सबसे पहले तो एक सिंसियर गाइडलाइन देती हूँ आपको, आप कौन से मज़ामीन का इंतखाब करेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, ये आपने ख़ुद तय करना होता है। किसी दूसरे के बताए हुए मज़ामीन का इंतखाब करके शायद आप अपने साथ भी ज़्यादती करें और अपने टाइम के साथ भी। थोड़ी सी गाइडलाइंस मैं आपको यूँ दूँगी कि पहले तो आप देखें कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आप कौन से सब्जेक्ट्स को किस तरह और कितने टाइम में तैयार कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आपके पास पास्ट पेपर्स हैं, आप पास्ट पेपर्स देखें, पिछले 15 साल तक के देख लें, 10 साल तक के देख लें, 5 साल तक के देख लें, वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। सिलेबस देखें जो PMS के लिए PPSC की तरफ से जारी किया जाता है, आप किस सिलेबस को किस सब्जेक्ट को कितने दिन में कवर करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आपका दिमाग कितना डाटा एक्सेप्ट करता है ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हैं, कुछ लोग IR ऑप्ट करते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे IR से ज़्यादा आसान पॉलिटिकल साइंस लगता है और जल्दी समझ में आता है, क्योंकि मैं इसकी बेसिक्स भी जानती हूँ और मैंने इसमें मास्टर्स भी किया है। इसलिए अगर मुझे कोई ये कहे कि मैं IR को ऑप्ट करूँ और पॉलिटिकल साइंस को छोड़ दूँ तो मैं ना इसको पढ़ पाऊँगी, ना इसको याद कर पाऊँगी, ना इसको पास कर पाऊँगी, ना इसको समझ पाऊँगी। इसलिए आप पास पेपर्स देखें, सिलेबस देखें, अपना इंटरेस्ट देखें, बैकग्राउंड देखें, आप किस चीज़ पर कितना टाइम लगा सकते हैं और कितना फोकस कर सकते हैं ये आप खुद जानते हैं। कोई दूसरा बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि आप ज्योग्राफी रख लें, आप मैथमेटिक्स रख लें, आप वो सब्जेक्ट्स रखेंगे तो आपको कभी समझ ही नहीं आएगा। आप वो सब्जेक्ट रखें जो आपको समझ में आता है। हर एक का IQ लेवल डिफरेंट होता है, इसलिए किसी से पूछने की बजाय खुद अपने लिए बेहतर स्टेप लें। अब सिलेबस की तरफ आते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। आपके पास 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास पहला पेपर होता है इंग्लिश ऐसे का, जो 100 मार्क्स का होता है। देखते हैं कि यहाँ पे PMS में अप्लाई करने के लिए इंग्लिश ऐसे की क्या रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू राइट एन ऐसे इन इंग्लिश ऑफ अबाउट 1500 वर्ड्स। अ वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। The topics may include those on issues related to education, economy, foreign policy, governance, human rights, constitution, law and order, and other socio-economic issues related to Pakistan, and topics of general nature. Dusri requirement hai, the candidates are expected to reflect a clear understanding of the topic, conceptual clarity, and logical reasoning. Candidates' articulation, expression, and correct use of English language will be examined. English ऐसे के लिए जो पहली requirement है उसमें आपके पास 1500 अल्फाज पर मुश्तमिल आपने एक ऐसे लिखना है, और वो किसी भी टॉपिक पर हो सकता है। वो एजुकेशन पर हो सकता है, इकोनॉमी पर हो सकता है, फॉरन पॉलिसी पर हो सकता है, गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर, वट एवर। आपका पाकिस्तान अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का और इंग्लिश ऐसे का पेपर और इसके टॉपिक्स तकरीबन सेम होते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं इंग्लिश ऐसे पे। इंग्लिश ऐसे में आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, आउटलाइन, कंक्लूजन, ये सब एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। ये नहीं कि आपने इंट्रोडक्शन में कुछ और लिखा हो, बॉडी में कुछ और लिखा हो और कंक्लूजन में कुछ और लिखा हो।
आपका सीक्वेंस के हिसाब से एक ऐसे प्रॉपर पीस ऑफ राइटिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश प्रेसी कम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन। पहले आपके पास आता है इंग्लिश प्रेसी एंड कम्प्रीहेंशन, जिसमें जो हदायत जो रिक्वायरमेंट्स PPSC ने दी हुई हैं वो कुछ ऐसे हैं। प्रेसी राइटिंग अ पैसेज ऑफ जेनेरिक नेचर विद इनफ रूम फॉर कंप्रेशन शैल बी गिवन फॉर राइटिंग ए प्रेसी एंड सजेस्टिंग ए सूटेबल टॉपिक। कंप्रीहेंशन अ केयरफुली सिलेक्टेड पैसेज विच इज रिच इन सब्सटेंस बट नॉट स्पेसिफिक टू एनी डिसिप्लिन शैल बी गिवन फॉलोड बाई 5 questions रिक्वायरिंग आंसर्स फ्रॉम द पैसेज इट्सेल्फ। एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसके कुछ सवाल दे दिए जाते हैं जो कि 5 सवाल होते हैं। उसमें से पैराग्राफ में से आपने उन सवालों के जवाब निकालने होते हैं और टू दी पॉइंट उनको पेपर में लिखना होता है। थर्ड है ग्रामर एंड वोकेबलरी। क्वेश्चंस रिलेटिंग टू करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस कंजंक्शंस पंक्चुएशंस वर्ब्स शैल बी गिवन। सेंटेंस करेक्शन सेंटेंसेस में बी गिवन ईच हैविंग ए फ्लॉ इन ग्रामर पंक्चुएशन और यूज ऑफ कैपिटल्स। कैंडिडेट्स शैल बी एक्सपेक्टेड टू करेक्ट देम विदाउट मेकिंग अननेसेसरी अल्टरेशंस। सेंटेंस करेक्शन में क्या होता है, आपके पास या तो ग्रामर मिस्टेक होती है कहीं जगह पे आर्टिकल्स की, कहीं जगह पे पंक्चुएशंस की मिस्टेक्स होती है, कहीं जगह पे सिर्फ इतनी मिस्टेक होती है कि आपके जो नाउन वर्ड्स होते हैं उनको छोटी ABC में लिख दिया जाता है जिसका आपने फर्स्ट लेटर बड़ा करना होता है। 5वां ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स चूजन रैंडमली मे बी गिवन दैट नीड टू बी ग्रुप्ड बाय कैंडिडेट्स इन पेयर्स हैविंग सिमिलर और ऑपोजिट मीनिंग। यूज ऑफ idioms एंड proverbs एज मे बी क्लियरली डायरेक्टेड इन द क्वेश्चन antonyms, synonyms, etc. ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स और पेयर ऑफ वर्ड्स तकरीबन सेम होते हैं, सिर्फ डिफरेंस होता है idioms का। idioms एंड proverbs वो होते हैं जो हम अपनी आम जुबान में या उर्दू की लैंग्वेज में मुहावरात को कहते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स वो होते हैं जो बोले भी एक जैसे जाते हैं लेकिन उनके लिखने में और उनके मतलब में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ट्रांसलेशन आ जाएगी आपके पास, अ शॉर्ट पैसेज इन उर्दू डेट में कंटेन फिगरेटिव और idiomatic एक्सप्रेशन शैल बी गिवन फॉर एन accurate ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। एक उर्दू का पैसेज आपको दिया जाता है जिसको आपने idiomatic एक्सप्रेशन के साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। थर्ड पेपर है आपके पास उर्दू का। उर्दू में आपके पास ऐसे प्रेसी कम्प्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन होती है, तकरीबन इसका फॉर्मेट इंग्लिश प्रेसी के पेपर जैसा होता है। यहाँ पे इसके रिक्वायरमेंट हैं, कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे इन उर्दू ऑफ अबाउट 1000 words। अ वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। द टॉपिक्स में इंक्लूड दोज ऑन इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन इकोनॉमी फॉरेन पॉलिसी गवर्नेंस ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड ऑर्डर एंड अदर सोशो इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड टॉपिक्स ऑफ जनरल नेचर। यहाँ पे सेम जो आपके पास ऐसे की रिक्वायरमेंट्स थी वही हैं लेकिन सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है, वहाँ पे 1500 थे यहाँ पे 1000 है। दूसरी रिक्वायरमेंट है द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये भी ऐसे की तरह की सेम ही है। उर्दू प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन, उर्दू में प्रेसी को तलखीस कहते हैं। द एग्जामिनेशन विल एसेंशियली टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टू हैंडल प्रेसी राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन सिंटैक्स ट्रांसलेशन ग्रामर वोकेबलरी एट्सेट्रा। सेम वही है जो आपने इंग्लिश की प्रेसी में करना है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ फ़र्क ये आ जाएगा
कि ये पेपर उर्दू का है, वो पेपर इंग्लिश का था, बाकी इनकी सारी चीज़ें सेम है। कॉम्प्रिहेंशन भी उसी तरह से आपने हल करनी है जैसे आपने इंग्लिश के पेपर में हल करनी थी। ग्रामर एंड वोकेबलरी भी वही कुछ ही है जो आपके पास इंग्लिश के पेपर में थी। सेंटेंस करेक्शन, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ट्रांसलेशन, शॉर्ट पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपके पास इंग्लिश के पेपर में थी। नेक्स्ट है हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़, कम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ में आप इसको उर्दू में भी हल कर सकते हैं और इंग्लिश में भी हल कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि आप चाहे तो उर्दू में हल करें, चाहे तो इसको इंग्लिश में हल करें। रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, इनफैक्ट सिलेबस है इसका इस्लामिक स्टडीज़ का, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इस्लाम कैसे आया, इस्लाम से पहले क्या हालात थे, इस्लाम के बाद क्या हालात थे, इस्लाम के फंडामेंटल्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, दीन और रिलीजन में क्या फ़र्क है, मोरालिटी क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी इंट्रोडक्शन में। दूसरा टॉपिक सीरतुन्नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ ए मैसेंजर, रिफॉर्मर, एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेटर, डिप्लोमेट, स्टेट्समैन, मिलिट्री लीडर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हर ओहदा निभाया और बहुत बखूबी निभाया। अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री अप टू खुलफाए राशिदीन, ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम इंक्लूडिंग स्टेटस ऑफ वुमेन, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ एंड द वर्ल्ड, इस्लाम का बोलबाला इस्लामी ममालक में और दुनिया में, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, ये था इसका आखिरी पॉइंट। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आपके पास 10 से 20 नंबर के MCQs होते हैं, बाकी 80 मार्क्स के आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसको आपने या तो उर्दू में हल करना होता है या इंग्लिश में हल करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सिलेबस है, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस्लाम को भी डील करते हैं, ह्यूमैनिटी को भी डील करते हैं और बाकी जो नॉन मुस्लिम्स के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी डील करते हैं, जैसे रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड रिवील्ड एंड नॉन रिवील्ड, इम्पॉर्टेंट रिलीजियस बुक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़, एथिक्स एंड मोरालिटी, ह्यूमन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कॉमनैलिटी इन रिलीजन्स एंड रेवलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़, ये भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है, 20 नंबर के इसके MCQs होते हैं। कुछ पेपर्स में आपके पास MCQs भी आते हैं, कुछ में टिक एंड क्रॉस भी आते हैं, कुछ में फिलिंग द ब्लैंक्स भी आते हैं। ये पेपर सेटर पे डिपेंड करता है कि वो आपको 20 नंबर किस तरह से डिवाइड करके देते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके पास जो टॉपिक्स हैं उसमें पहला है मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स डाउनफॉल, दूसरा लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, थर्ड वन पाकिस्तान एंड द चेंजिंग रीजनल सिनेरियो, नेक्स्ट है पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल कंसर्न्स, रीजनल कोऑपरेशन इंक्लूडिंग SAARC, ECO, SCO एंड द रोल ऑफ पाकिस्तान, सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, नेशनल सिक्योरिटी डायनामिक्स एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल इश्यूज इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन, ग्रोइंग एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी, वॉर ऑन टेरर, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है 18th अमेंडमेंट, 18वीं तरमीम, फॉरेन पॉलिसी, एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, कश्मीर इशू, सिचुएशन इन अफगानिस्तान सिंस 1979, पाकिस्तान एनर्जी प्रॉब्लम्स,
सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अमेंडमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, गवर्नेंस इश्यूज इन पाकिस्तान, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, नैब, FIR, FIA, हर चीज़ को पाकिस्तान स्टडीज़ में कवर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल नॉलेज का पेपर, जो 100 MCQs पे मुश्तमिल होता है और 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहली है करंट अफेयर्स, जो पाकिस्तान स्टडीज़ के करंट अफेयर्स पे हमने बात की है, गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास फिज़िकल साइंसेस, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन द सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, नॉलेज ऑफ कॉमन टर्म्स यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, नेचुरल हज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स, एनर्जी सोर्सेज, बेसिक्स ऑफ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, मटेरियल्स, केमिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स एंड देयर माइनिंग। नेक्स्ट कैटेगरी है बायोलॉजिकल साइंसेज, फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, सेल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स लाइक प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, प्लांट एंड एनिमल लाइफ, ह्यूमन बॉडी, कॉमन डिजीजेज, जिनमें आपके पास आजकल की जो कोरोना वायरस की जो बीमारी है उस पर भी आपके पास MCQs आ सकते हैं। सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर। आगे कंटिन्यू करते हैं, एनवायरनमेंट स्टडीज़ है जिसमें आपके पास इकोसिस्टम आएगा, एटमॉस्फेयर आएगा, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, वाटर पोल्यूशन है और आजकल जो सबसे बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है फूड साइंसेस, डाइट एंड एसेंशियल कंपोनेंट्स और कंपाउंड्स फॉर हेल्थ, क्वालिटी ऑफ फूड, फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल इश्यूज कंसर्निंग हंगर। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, डाटा प्रोसेसिंग है, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, नेटवर्किंग, ईमेल, सोशल मीडिया, बेसिक्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग GPS, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सब MCQs पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में है क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक अरिथमेटिक्स लाइक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सेट्स, कोटेशंस, इक्वेशंस, ज्योमेट्रिक फिगर्स, परसेंटेजेस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर सीरीज, एनालॉजीज, रिलेशनशिप्स, मेंटल मैथमेटिक्स, अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू टाइम एंड वर्क, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल टॉपिक्स, जिसमें आपके पास आएगा फेमस साइंटिस्ट एंड देयर क्लेम टू फेम, फेमस इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, साइंटिफिक लॉज, थ्योरीज एंड पोस्टुलेट्स, यूनिट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। ये थे हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी हैं। लास्ट वन जो था जनरल नॉलेज का पेपर, वो 100 MCQs पे बेस करता है और इसके 6 से 7 पॉइंट्स थे जो आपको बता दिए गए हैं जिन पे MCQs बेस करते हैं। अब हम चलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हमारे पास 7 ग्रुप्स हैं। ग्रुप ए में आपके पास है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब 200 मार्क्स के हैं। इनमें से आप चाहे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करें, बिजनेस करें, इकोनॉमिक्स करें या कॉमर्स करें, जो आपको इजी लगता है, जो आपकी समझ में आता है आप उसको सेलेक्ट करें, रिस्क नहीं लें। ग्रुप बी में आपके पास है एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंसेज, बॉटनी एंड जूलॉजी, ये वो लोग ऑप्ट कर सकते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जिन्होंने BSc की या ऑनर्स किया, वो इन सब्जेक्ट्स के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप सी है मैथमेटिक्स का, कंप्यूटर साइंस का, स्टैटिस्टिक्स का, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट इसमें शामिल है। ग्रुप डी में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री,
जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी है। ग्रुप ई में है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉ, मैस कम्युनिकेशन। ग्रुप एफ आपको बताता है फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क के सब्जेक्ट के बारे में। और आखिरी ग्रुप में आपके पास आ जाती हैं लैंग्वेजेस, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, अरेबिक, एजुकेशन, पर्शियन एंड पंजाबी। अब बात करते हैं कि आपने इनको ऑप्ट कैसे करना है। किसी भी ग्रुप में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास तकरीबन 3 सब्जेक्ट होने चाहिए 600 नंबर के, वो चाहे आप ग्रुप ए में से लें, ग्रुप बी में से लें, ग्रुप एफ में से लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। जनरल व्यू के हिसाब से अगर मैं आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन या जो बहुत ज़्यादा मार्क गेन करते हैं सब्जेक्ट्स उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, सोशियोलॉजी, उर्दू, मैस कम्युनिकेशन, ये सब्जेक्ट्स नंबर गेन भी ज़्यादा करते हैं, इनका सिलेबस भी थोड़ा है और इजी भी है। ज़्यादातर लोग पंजाबी सेलेक्ट करते हैं क्योंकि एक आसान और ज़्यादा नंबर हासिल करने वाला सब्जेक्ट है। इसके अलावा अगर आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहें तो आप पे डिपेंड करता है, आपके बैकग्राउंड पे, आपके आईक्यू लेवल पे, आपकी टाइमिंग पे, आप कितने टाइम में कितना सिलेबस कवर कर सकते हैं, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बजाय इसके कि आप किसी और से पूछ के अपना सब्जेक्ट रखें जो आपको समझ में भी ना आए और आप पास भी ना कर सकें। सो चूज़ वाइजली एंड स्टे ट्यून्ड। विश यू बेस्ट ऑफ लक। योर होस्ट एडवोकेट सेठी।